नमस्कार। आज 24 अगस्त 2024 शनिवार, मैं पल्लव जोशी आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तनाव ये संसार में हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। तनाव क्यों होता है, तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तनाव जिसको हम ज़्यादातर अब स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन यह नाम से जानते हैं और उसका जीवन में उपयोग भी करते हैं, तो ये टेंशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये कहाँ से आता है, इसको मैनेज कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और ये तनाव जैसी बीमारी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं या इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने की, चर्चा करने की और इसके मैनेजमेंट की कुछ वस्तुओं के ऊपर हम आज बात करेंगे। हमारे जीवन के अंदर हमारी प्रणाली, व्यवस्था, इकोसिस्टम, हम जिस पेस पे, जिस गति से जीवन जी रहे होते हैं वो बहुत ही बहुत तेज हो चुका है। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि हम चाहे या ना चाहे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ये हमारे मस्तिष्क में जा चुका है कि हम जिस स्पीड से जी रहे हैं, हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में, हमारी नौकरी की जगह पे, जो भी हमारे साथ जीवन में जुड़ा है वो हमारे पेस के साथ, हमारी गति के साथ, हमारी प्रणाली में हमें समझ के हमारी गति, हमारी जीवन जीने की स्पीड जिस प्रणाली और व्यवस्था के साथ हम चल रहे हैं उसके साथ तालमेल दिखाएगा। और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है, जाने अनजाने में हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी प्रणाली है, जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी गति है, जो हमारी समझ है, वो दूसरों से भिन्न भिन्न अलग अलग है। और इसी के कारण शुरू होता है संघर्ष, बातचीत में, रहन सहन में, जाने आ जाने में, खाने पीने में, व्यवहार में। जब एक व्यक्ति की गति, स्पीड दूसरी व्यक्ति की समझ, स्पीड और गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती तब शुरू होता है संघर्ष। और यही संघर्ष अपने विचारों के साथ अपनी उस तकलीफ को जन्म देता है जिसको हम बोलते हैं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। ये मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, ये मुझे समझ ही नहीं पा रही है, ये लोग मेरी तकलीफों और परेशानियों को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब सवाल जब हमारे अंदर उठते हैं तो हम अंदर ही अंदर इसके साथ जीना और इसके ऊपर जाने ना जाने कितने तर्क निकालना शुरू करते हैं। उन लोगों को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, वो लोग मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैं कितनी तकलीफ उठा के ये काम कर रहा हूँ, ये जीवन चला रहा हूँ, उसमें उन लोगों को मेरी तकलीफों और मेरी रोज़मर्रोज की समस्याओं का कोई, उनको भान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। और इसके साथ हम उनसे हमारी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। अब जो हमारे अंदर चल रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा। अंतर्यामी तो भगवान थे, भगवान है, और वो अंतर्यामी होने के बाद हर जीव के अंदर क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं, लेकिन हम सब मनुष्य हैं, ईश्वरीय तत्व हम सब के अंदर है। जब हम शांत मन से दूसरों की प्रणाली, व्यवस्था, जीवन जीने के तरीके अपने जीवन जीने के तरीकों के साथ जोड़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि उनकी उम्र, उनकी प्रणाली, उनकी व्यवस्था, उनकी समझ बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग है। जो हमारी समझ, विचार,
जीवन जीने की प्रणाली से वो गति पे नहीं है जिस गति पे हम हैं, जिसको हम अंग्रेजी में वेवलेंथ भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। हमारे जीवन जीने की फ्रीक्वेंसी और दूसरों के जीवन जीने की फ्रीक्वेंसी में काफ़ी अंतर होता है, और इसी के कारण जब ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक लय जब तालमेल नहीं बैठा पाती, उसका जब मैच नहीं होता, तब होता है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। और ये फ्रस्ट्रेशन जब आपके जीवन जीने की प्रणाली पे असर डालना चालू करता है, तब आपको होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, और जिसको हम बोलते हैं तनाव। अब ये क्यों होता है? अब एक व्यक्ति जो नौकरी व्यवसाय जीवन में बाहर जाके अपने धन की प्राप्ति के लिए काम धंधा व्यवसाय करता है, आज के इस फास्ट तेज तर्रार युग के अंदर संसार में बहुत तेज चलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चल पाएंगे तो ये प्रणाली, ये व्यवस्था हमको स्वीकारेगी नहीं। उसके साथ जो परिवार और समाज के साथ वो जुड़ा होता है, वहाँ जीवन जीने की प्रणाली अलग होती है। परिवार के लोग, बच्चे, माता पिता, उनकी अवस्थाएं, उनके जीवन के पड़ाव अलग होते हैं, उनकी आपसे जुड़ी अपेक्षाएं अलग होती है, उनकी मान सम्मान की, बातचीत की, रहन सहन की पूरी व्यवस्था अलग है। वो आपसे अपेक्षाएं लगाए रहते हैं कि आप उनसे प्रेम से बात करें, आप उनसे शांत होकर ठहराव से बात करें। लेकिन जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि अपने घर परिवार, नौकरी व्यवसाय एवं आपके सामाजिक व्यवहारों और सामाजिक संबंधों का जब आप तालमेल नहीं बिठा पाते, और आप अपनी ज़्यादातर जो समय आप नौकरी, काम धंधे, व्यवसाय, जिसमें काफ़ी संघर्षपूर्ण वातावरण रहता है, मानसिक अवस्थाएं रहती है, उसको समेट के उसी के साथ आप अपने घर परिवार सामाजिक संबंधों के बातचीत की प्रणाली में उतरते हैं, तब शुरू होता है संघर्ष। और इसी संघर्ष के कारण जब आपको यह लगने लगता है कि मैं इतना काम करके थका हारा अपने घर में आता हूँ तो मुझे शांति चाहिए, मुझे थोड़ा एकांत चाहिए, मुझे थोड़ी अपनी स्पेस चाहिए, जो आपको मिल नहीं पाती, या आप अपेक्षित हो कि मुझे ये चाहिए, और जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि आप आके उनके साथ कुछ बातें करें, उनको देखें, उनको समझें, उन्होंने जीवन में आज के दिन में क्या क्या अनुभव किए, आप उसे सुने, तब आप चाहते हैं कि आप एकांत में हो। आपका अधिकांश समय वो एकांत और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बातचीत करें या ना करें, इसी के बीच में ट्रेड ऑफ जिसको बोलते हैं, उसमें समझने में चला जाता है, और फिर वो समय भी निकल जाता है। तो आप सोचते हो हमारे पास अपने स्वयं के लिए कहाँ समय बचा? कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे विचार जिसके ऊपर आपको समय देना अच्छा लगता है, उसको आप समय नहीं दे पाते। जो आपको मानसिक शांति की ओर ले जाता है, वो अवस्था और वो समय आप नहीं अपने साथ बिता पाते, और तभी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव आना चालू होता है। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अवस्था से हम आज गुजर रहे हैं, हमारे माता पिता आज से कुछ सालों पहले वही अवस्था में जिए हैं, हमारे बच्चे आने वाले कुछ समय में यही अवस्था में आ जाएंगे, तब शायद हम माता पिता बन जाएंगे, और वो माता पिता जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको अब समय है कि वो अपने बच्चों के साथ समय बिताए, लेकिन उनकी अवस्थाएं चेंज हो जाती है। तो ये जो तालमेल है वो एक गति, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मैच ना होने के कारण हो रहा है। और इसको समझने के लिए
इसका निराकरण करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए चाहिए कि आप स्वयं को पहले समझे, अपने समय पत्रक को समझे, जिसको टाइम टेबल बोलते हैं। उसमें हम पहले से ही, जैसे हम अपने काम करने की जगह का आयोजन, वहाँ का टाइम टेबल, वहाँ का प्लानिंग शेड्यूलिंग, अपने काम करने की प्रणाली की व्यवस्था के जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से करते हैं, वैसे ही घर की प्रणाली चलाना, समाज व्यवस्था में संबंधों की प्रणाली चलाना, उसके साथ भी हम आयोजन करें, उसको पहले से ही विजुअलाइज करें, उसको देख ले, उसको अधिकांश समझ के कि ये परिस्थितियाँ ज़्यादातर हो सकती है। जीवन में काफ़ी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो हमारे नियंत्रण में हो सकती है अगर हम आयोजन करें। जीवन में काफ़ी ऐसी प्रणालियाँ हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हमारा अधिकांश समय उन्हीं परिस्थितियों के बारे में सोचने में अगर हम व्यतीत करें जो हमारे नियंत्रण यानी कि कंट्रोल में है, तो हम वो आयोजन कर पाएंगे। अब वो तो डेस्टिनी यानी कि विधान, विधि विधान के ऊपर है कि जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि किसी का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाना, बीमार हो जाना, कोई ऐसी घटना घटित होना जो हमारे आयोजन और हमारे समझ के बिल्कुल परे है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। बाकी हमारे आचार विचार, हमारे आयोजन, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आराम से सोच सकते हैं, उन परिस्थितियों में अगर हम आयोजित रहे तो वो रेशियो, वो मात्रा बहुत ही हमें हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है वो आयोजन करने में, जिसके साथ हम अपने तनाव को, अपने साथ जुड़े लोगों के संबंधों के साथ संघर्ष में ना उतरकर एक तालमेल के साथ उनके साथ कि जो हमसे अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं, हमारे साथ जो हम लोगों से अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं, उन अपेक्षाओं को ज़्यादातर न्याय दे सके। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे का परस्पर में चर्चा करना, बात करना, अपनी छोटी से छोटी चीज उनको उस तरह से समझना जिस तरह से वो समझ पाए। यहाँ पे समझाना और सामने वाले का इंटरप्रिटेशन दो भिन्न चीज़ें हैं। मतलब सामने वाले की समझ, जो हम समझाना चाहते हैं, वो भिन्न है। जैसे कि मैं आज थक गया हूँ, आज मैं 15-20 मिनट शांति से बैठ के फिर आपसे बातचीत करने आऊँगा, ये एक बात हुई। अब आप इसको कैसे समझाते हैं, कौन से समय पे समझाते हैं, किसको समझाते हैं? अब वो जब आप समझा रहे हो तब सामने वाला उसको किस प्रकार से लेगा, वो सभी पहलुओं के ऊपर अगर हम दृष्टि करें, तभी ये जो बात है उनको पूर्णतः या अधिकांश उनकी समझ में आएगी, और तभी शायद ये हो पाएगा कि वो भी आपकी परिस्थितियों को समझे कि आप कौन से वातावरण में, कौन से कामकाज के दौर से गुजर के आप उनके पास आए हैं। हो सकता है कि आप अपनी अपेक्षाओं से उनको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन सामने उनकी भी परिस्थिति ऐसी हो कि वो आपके ऊपर अपेक्षा लगा के आपके ऊपर आश्रित हो। जैसे कि आप थके हुए हैं, लेकिन आपके परिवार या आपके साथ जो जुड़े हैं वो भी थके हुए हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में घर के कामकाज, बाकी की प्रणाली और बाकी की व्यवस्था चलाने में उनके भी मदद रूप, उनके भी हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में जब सभी लोग कुछ ही तनावों के साथ, कुछ ही तकलीफों के साथ घिरे हुए हैं, तब सबको एक दूसरे की परिस्थितियों में
अपनी दृष्टि डाल के परस्पर तालमेल बैठाना पड़ेगा और उसको डिवाइड ऑफ वर्क यानी के काम और प्रणाली चलाने की व्यवस्था को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देने के बाद ही वो व्यवस्थाएं चल पाएंगी। तो सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेम संबंध, संबंधों में वो स्नेह तभी तक टिका रहता है जब तक आप दूसरों की व्यवस्था, दूसरों के जीवन जीने की गति स्पीड उसको समझ पाए, उनके वो तनाव वाले परिपेक्ष को समझ पाए जिसको आप अपनी दृष्टि से पूरे दिन पूरे जीवन में देख नहीं पा रहे हो। लेकिन ये समझने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं कि हाँ वो भी खाली मुझे परेशान करने के लिए या मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति ना करने के लिए जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए ही अपनी जवाबदारियों से हाथ नहीं झाड़ रहे हैं। तो ये समझ तभी आएगी जब आप परस्पर कम्युनिकेशन करें, तालमेल करें। और आजकल यही सबसे बड़ी परेशानी है कि जीवन में हम समय का आयोजन नहीं करते। समय का आयोजन और समय के आयोजन के साथ वो आयोजन को अपने साथ जुड़े लोगों को अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न और उनकी प्रणाली और उनकी समझ की टाइमिंग को समझ के ये समझाना बहुत ही आवश्यक है। तो तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है अगर हम आपस में परस्पर वार्तालाप करें, उसका आयोजन करें, उसको हम पहले देख ले, विजुअलाइज कर ले, उसको कम्युनिकेट करें, अपनी अपेक्षाएं उसको हम बताएं। अपेक्षाओं की भी व्याख्या बहुत बड़ी है। जो अपेक्षा है आपको दिए गए निर्धारित इकोसिस्टम में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके अंदर परिपूर्ण हो सके, वो अपेक्षाएं अपेक्षाएं होती है। अब आज ही मैं बहुत बड़े वर्ल्ड टूर में निकलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी अपेक्षा है। लेकिन आज मैं घर जाके 15-20 मिनट आराम से बैठ के अपने आप को शांत और रिलैक्स करके बाकी के काम और बाकी के लोगों के साथ वार्तालाप करूं, ये एक सामान्य अपेक्षा है जो परिपूर्ण हो सकती है। लेकिन शर्त है कि हम अपने साथ जुड़े लोगों के साथ पहले ये बातचीत के माध्यम से उनको समझा दें, तभी ये वस्तु है उनके समझ में आएगी। तो तनाव की अलग अलग व्याख्या, अपने जीवन जीने की गति की अलग अलग व्याख्या, अपनी अपेक्षाओं की अलग अलग व्याख्या, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के टाइमिंग की अलग अलग व्याख्या, ये हमें समझना है। और ये इस लेवल पे जाके समझना है, उन आयामों पे जाके समझना है कि हम पहले स्व के साथ, अपने सेल्फ के साथ जुड़े, अपने साथ वार्तालाप करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किन लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे काम करने के लोग भिन्न हैं, मेरे माता पिता वो भिन्न हैं, मेरे बाल गोपाल, मेरे बाल बच्चे भिन्न हैं, मेरी पत्नी भिन्न है, मेरे सगे संबंधी भिन्न हैं, वो कोई अलग व्यवस्था और प्रणाली में अपने जीवन का, अपने दिनों का ज़्यादातर समय व्यतीत कर रहे हैं, मैं कुछ अलग परिस्थितियों में अपना जीवन, कुछ और तनावपूर्ण कामों के अंदर अपना जीवन, कुछ ट्रैवलिंग के अंदर अपना काम करने का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, ये सब बातों का उनके साथ शांति से टेक्स्ट मैसेज करके नहीं, आमने सामने बैठ के उनको समझाने के बाद ही कुछ निष्कर्ष आ सकता है। तो ये बातें कम्युनिकेट करना बहुत ही आवश्यक हो जाती है।
इसीलिए तनाव को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो हम एक ईडियम के साथ समझ सकते हैं, कीप योर लेग इन अदर शूज, मतलब दूसरों की जगह पे रह के अपने आप को देखो। जितना आसानी से हमने ये ईडियम कहावत बोल दी, उतनी आसानी से हम ये कर नहीं पाते। लेकिन शांत मन से अपने विचारों को नियंत्रित करके योग क्रिया के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करके, अपने मन के विचारों को एकाग्र करके, उनको श्वास श्वासोश्वास, जिसको प्राणायाम प्रक्रिया योग क्रिया में बोलते हैं, योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा योगी बन के ध्यान मुद्रा में बैठ के केवल 5 से 10 मिनट का प्राणायाम करके अपने पहले विचारों को केंद्रित करें, अपने साथ स्व के साथ जुड़े। आगे की 5 और 10 मिनट के अंदर आप अपने साथ बातचीत करना शुरू करें, और 10-15 मिनट के अंदर आप अपने परिस्थितियों का आकलन करें। उस परिस्थितियों में क्या क्या आपके नियंत्रण में है, क्या आपके नियंत्रण में नहीं है, वो आयामों को लिखे, समझे, उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद विजुअलाइज करें। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर जब आप अपने नियंत्रण में हैं, ज़्यादातर परिस्थिति अपने बारे में आप स्वयं नियंत्रित करके बैठे हैं, फिर आप विचार करें कि मेरे साथ जुड़े हुए लोग वो काम करने की जगह पे हैं या अपने परिवार में हैं, उनकी आपके साथ क्या अपेक्षाएं जुड़ी है, वो आपसे उस समय क्या करना, बात करना, समझना पसंद करेंगे, और ख़ास करके उनकी ज़रूरत वाली अपेक्षाएं कि जो होनी ही चाहिए, उनका आकलन करके लिखे, समझे, और अगले 15 से 20 मिनट ऐसा समय खंगाले कि जब आप पूरी तरह नियंत्रित हैं, स्वयं समझ चुके हैं अपने बारे में, अपनी अपेक्षाओं के बारे में, अपने साथ जुड़े लोगों की अपेक्षाओं के बारे में, तब जाके आप वही परिस्थिति, वही वस्तु है, वही अपेक्षाएं अपने साथ जुड़े लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, संवाद करें, बातचीत करें, और उनको प्रेम से, शांति से समझाने का प्रयत्न करें। ये विषय के अगले कुछ भागों के अंदर, अगले कुछ प्रकरणों के अंदर, अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर हम इसको बहुत अलग विस्तार से, अलग आयामों के ऊपर, अलग पहलुओं के ऊपर समझने की, इसका निराकरण निकालने की हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबको ये वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर यह वीडियो और यह कंटेंट आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, और कमेंट में और बताएं कि आप कैसे तनाव से जूझ रहे हैं और आप उसको स्वयं कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, और आप इस विषय के ऊपर और क्या सुनना पसंद करेंगे। मैं पल्लव जोशी, कैरिज्मेटिक एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज यह विषय को यहीं समाप्त करता हूं। जगदम्ब।